सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद 3 घंटे सख्ती का फैसला कर लिया। अब शाम 5 बजे तमाम कारोबार बंद हो जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस मुश्ताक महर का कहना है कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया है। आईजी सिंध के मुताबिक लॉकडाउन में मजीद 3 घंटे सख्ती का फैसला किया गया है और कल शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। आईजी सिंध ने कहा कि जानवरों, परिंदों और उनकी खुराक की दुकानें दिन 12 से 2 बजे तक खुली जा सकती हैं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबे भर में मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया देते हुए कहा है कि पाबंदियां सख्त किए बगैर कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा है कि बगैर वजह लोगों को सड़कों पर आने नहीं दिया जाएगा। मकामी केसेस की बढ़ती हुई तादाद तश्वीशनाक है। ख्याल रहे कि इससे कब्ल सिंध हुकूमत ने सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कारोबार खोलने की इजाजत दी थी। ताहम रात 8 बजे के बाद सिर्फ उन मेडिकल स्टोर्स को खोलने की इजाजत थी जो अस्पताल के करीब वाकिया हैं। सिंध हुकूमत 12 अवाम से अपील कर चुकी है कि लोग अस खुद घरों में रहें, वरना कर्फ्यू भी नाफिज किया जा सकता है।